छिंदवाड़ा आदिवासी युवक युवतियों को मिलेगा निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण। परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश के आदेश पर आरटीओ छिंदवाड़ा और अशोक लीलैंड की संयुक्त पहल, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी युवक युवतियों को दिया जाएगा निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण का लाभ। आरटीओ निशा चौहान निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर आरटीओ छिंदवाड़ा और अशोक लीलैंड ने आज 31 दिवसीय निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण अभियान में अनुसूचित जनजाति के 30 युवक युवतियों को संपूर्ण तकनीक के साथ निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण, निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था के साथ दिया जा रहा है। आरटीओ निशा चौहान ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण आगे भी दिए जाते रहेंगे। चूंकि यह एक नियमित विभागीय प्रक्रिया है, इसीलिए शासन की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सिम्युलेटर मशीन और शानदार ड्राइविंग ट्रैक पर कुशल तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ये प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित होकर भविष्य में रोजगार के माध्यम भी तलाश सकेंगे। अनुसूचित जनजाति से आने वाले इन प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने के लिए आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस, महिला बाल विकास, आदिम जाति कल्याण विभाग छिंदवाड़ा के अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है। निशा चौहान आरटीओ छिंदवाड़ा, सुदेश सिंह डीएसपी ट्रैफिक पुलिस छिंदवाड़ा, संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा। देश का भविष्य जानते हो क्यों बोला? इसलिए बोला कि यहाँ आपको बुलाने का उद्देश्य ये है कि आप देश का भविष्य बने। यहाँ आपको बुलाया गया है निःशुल्क ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कि निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाए 1 महीने। इस ट्रेनिंग में मैं 2 दिन पहले भी यहाँ आई थी और मैंने खुद देखा कि जो बच्चों को दिया जाना है वो बच्चों के लायक है कि नहीं। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको, जैसे आप गाड़ी सीखते हैं ना, कभी ड्राइविंग स्कूल से सीख लेते हैं कार, तो क्या होता है आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं लेकिन उसकी बारीकियां नहीं जानते। मैं आज आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप 30 दिन जब सीखेंगे, आखिरी दिन फिर मिलूंगी आपसे, बीच में भी आती रहूंगी मैं, तो बाकी लोग शायद नहीं आ पाए, बीच बीच में आऊंगी, आपका उत्साहवर्धन करूंगी और आप खुद देखेंगे कि आपको गाड़ी के एक एक हिस्से के बारे में मालूम चलेगा कि ये हिस्से क्या है, इनका क्या इस्तेमाल है, यदि गाड़ी खराब होगी तो कैसे ठीक होगी, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह से आप जान पाएंगे कि हम अगर उलझ जाते हैं, कहीं परेशान हो जाते, तो गाड़ी ठीक कैसे हो, हम हतोत्साहित ना हो। उद्देश्य आपका ये है कि आपका उत्साह वर्धन, साथ में एक उद्देश्य ये है कि आप एक आजीविका के स्रोत के रूप में इसको अपनाना चाहें तो अपना सकते। छोटी सी चीज है, पुरुषों को भी बहुत सारी चीजें नहीं आती है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोटी नहीं बना पाते, नहीं बना पाते, सच्ची भी कहीं नहीं बना पाते, आपको बहुत खुश होना पड़ेगा कि आप घर के काम भी कर लेंगी और ईश्वर चाहेगा अगर और आपकी मेहनत सच्ची होगी तो आप ये भी सीख लेंगी और आशीर्वाद रहेगा ईश्वर का, आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत देश का नाम करेंगे आप भी और ये हमारे जो बालक है। यहाँ दोनों को बुलाया गया है, लड़कों को भी लड़कियों को। पहले मैं बैच रख रही थी केवल लड़कियों का, थोड़ी सी पार्शियलिटी कर रही, लेकिन लड़कियों का आवेदन बहुत कम आया। इसी समझ में आ रहा है कि लड़कियां तो आना नहीं चाहती आगे, बेटा आओ आगे, आप लोग आओगे तभी आगे जाओगे। लड़कों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया मुझे अच्छा लगा, नहीं तो अगला बैच में प्योर लड़कों करने वाले, पर ये बैच हम लोग कंबाइन रखा है। यहाँ हम देखेंगे सिम्युलेटर है, एक छोटा सिम्युलेटर है जिसे हम सीखेंगे। एक हैवी ट्रक्स जो होते हैं, बड़ी गाड़ियां होती है, वो मैंने खुद चला के देखा था, आई नहीं चला के देखा और महसूस किया कि ऐसा लगेगा, आप चलाएंगे आज आगे चलाए, आपको सिखाया जाएगा, ऐसा लगेगा आपको कि आप सच में ट्रक चला रहे, ऐसे लगेगा, ठीक है ना। उन्हें चाहिए कि आप चीजों को, बारीकियों को जाने। एक एक चीज सिखाई जाएगी, इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको एक कंपैरिजन करती हूँ, एक आईटीआई है इंदौर में, नंदा नगर आईटीआई इंदौर से भी बेहतर है, इसमें मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि नंदा नगर आईटीआई का ट्रैक मैंने खुद देखा है, उस ट्रैक में जो, जैसे हम चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, बम्प्स होने चाहिए ऊपर आने के लिए, वो सब नहीं है। जब तक वो नहीं होगी तब तक आपको रियल रोड कंडीशन नहीं मालूम चलेंगी, वो रियल रोड कंडीशन यहाँ पे ट्रैक पे आपको देखने मिलेंगी, है ना। आप देखोगे आज सुबह से, आप देख ही रहे हो सब चीजें। तो मैं मीडिया के बंधुओं से भी बोलूंगी, अगर देखा नहीं होगा उन्होंने तो एक बार देखें कि वो ट्रैक किस तरह का है, ताकि आप जान पाओगे कि जो रियल रोड कंडीशन है उसमें ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही, वो बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग होगी। सिम्युलेटर भी वैसे ही काम करेगा, आपको रियल रोड की फीलिंग आएगी। तो ये 30 डेज में हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेंगे, थियोरेटिकल ट्रेनिंग भी लेंगे और एक म्यूजियम टाइप का भी देखा होगा आपने, पार्ट्स हैं गाड़ियों के,
गाड़ियों के पास को बाहर निकाला होता है। जनरली क्या आप गाड़ी खोल के दिखा लेते हैं, पर गाड़ी खोलने के बाद इतने ज्यादा वो आपस में इंटरमीडिएट होते हैं कि आप देख नहीं पाते, तो वो आप देख पाओगे एक एक पार्ट। और फिर आप उनको गाड़ी खोल के भी दिखाइए। और एक एक चीज मैं हफ्ते में एक बार आऊंगी, आप उनसे बात करूंगी, पूछूंगी कि आप लोगों को समझ में कैसा आता है। बहुत अच्छे जो इसके प्रशिक्षक है वो यहाँ पे उपलब्ध है, मतलब जो यहाँ पर अभी अधिकारी मेरी सर से बात हो रही थी बैठे हैं, जो उसके डायरेक्टर है एक्चुअली ये दिल्ली से आए हुए और ये यहाँ पर बहुत दिनों से हैं। जब दिल्ली से यहाँ आ रहे थे वो छिंदवाड़ा को ढूंढ रहे थे, छिंदवाड़ा है कैसा, एक तो इंटीरियर तो नहीं है, देहात क्षेत्र तो नहीं है, किस तरह की परिस्थितियां हैं। तो जब ये यहाँ पे आया तब इनको पता चला कि छिंदवाड़ा हमारे मध्यप्रदेश का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा जिला है, व्यवस्थित जिला है, शहर हमारा बहुत व्यवस्थित और सुंदर है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे शहर में, हमारे जिले में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर हम ट्रेनिंग लेके सड़क में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। पहले की जरूरत तो खुद को सुरक्षित रखने की है, यही है ना। जब हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हम बात करें दुपहिया वाहन की, जब दुपहिया वाहन चलाते हैं तो हमारे पास सुरक्षा के क्या साधन होते हैं। इमेजिन करो मोटरसाइकिल और सड़क और बीच में चलने वाला ट्रैफिक, कोई सुरक्षा का साधन है? अगर गाड़ी गिरी तो गिरेगी नहीं, क्योंकि वो दोपहिया है, गिरेगी जरूर। और गाड़ी जब हम गिरेंगे और हम जब नीचे गिरेंगे तो सबसे पहले हमारा सर आएगा, चोट लगेगी। और ये मैकेनिज्म ऐसा है हमारे सर का कि यदि ये एक बार डिस्टर्ब हुआ तो फिर कभी सही अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। पहला मुख्य उद्देश्य है इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने का, वो है सड़क पर हम सुरक्षित कैसे रहे। दूसरा उद्देश्य है हम सड़क पे दूसरों को सुरक्षित कैसे रखें। जब हम इस बात को समझ लेंगे कि हमारी खुद की सुरक्षा क्यों जरूरी है, तभी हम किसी चीज को बहुत अच्छे से प्राप्त करेंगे। हमने इस